एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक सियोहारा बुढ़नपुर में स्थित अमीरपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर है। लगभग 2400 की आबादी व 1150 वोटरों द्वारा सीमा चौधरी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 98 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त के लिए 15 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 5 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से। ग्राम पंचायत अमीरपुर में श्रीमती सीमा चौधरी वाई वो अशोक कुमार चौहान, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधान मुख्य सिटी होता गांव की, प्रधान विकास की ओर अग्रसर रहने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या वहाँ आती है कि जहाँ हमारे पंचायत, अब मैं अपनी पंचायत की बात ले रहा हूँ, ब्लॉक की भी जानकारी है मुझे, ये जितना धन विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलप के लिए गांव के चाहिए, उसका चौथाई पैसा भी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। इतना पैसा सपोज करो कि मैंने लगभग ये 5.5 लाख की लाइट लास्ट ईयर जून के महीने में लगवाई थी, जिनका अभी तक कोई पैसा कोई अधिकारी देने को तैयार नहीं है। वो खाते में भी पैसे इतने नहीं है कि अधिकारी कोई कर दे तो वो पैसा आपका पेमेंट कर दूँ ठेकेदार को। ठेकेदारी प्रथा आ गई बीच में, पहले डायरेक्ट सेक्रेटरी, पटवारी और प्रधान रहते थे, बीच में ठेकेदार माध्यम और बन गया, जो उसे भी जब वो पैसे पहले एडवांस लगाए बैठा तो वो पैसे क्यों नहीं लेने का अपने, उसे तो कमीशन चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, मैंने इतनी आरसीसी की सड़कें, इतना काम करा दिया, लगभग 14-15 लाख रुपए के एडवांस में काम कराए हुए हैं, जिनका 5-7 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है और शेष पैसा ठेकेदारों से जी हजूरी करके उधार में काम करा रखा, जनता की डिमांड पे, जो जनता डिमांड कर रही है कि ये काम होना है, पैसा कभी भी आते रहे होना है, वो हमें जिम्मेदार मानते हुए हम पर जोर रखते हैं, अपनेस रखते हैं, अपना मानते हुए हम पर दबाव डालते, जोर डालते हैं कि ये काम कराओ। तो वो ठेकेदार के माध्यम से, कुछ अपने माध्यम से मैंने एडवांस में काम करा रखे हैं 8-10 लाख रुपए के, चाहे जब इंक्वायरी कर सकते हैं, खुलेआम है, आज कल चोरी नहीं की जाती किसी काम की भी, रिपोर्ट करा रखे हैं। रखते हुए गांव के प्रधान को जिम्मेदार मानते हुए जितने डिमांड्स मैंने या अदर्स पंचायतों में प्रधानों ने डाली हुई हैं, उसका ज़्यादा भी ना भेज सके अगर, तो 1/2-2/3 पैसा भी भेज दें तो मेरा मानना है कि बहुत कुछ विकास होगा, गांव प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर होगा।